नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी 16 सीटों के लिए महापौर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का गुरुवार को पहला बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने महापौर की हर एक प्रत्याशी की खूबियां बताई। शिवराज ने कहा कि मुरैना की मीना जाटव आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता रही हैं, भोपाल और ग्वालियर के उम्मीदवार जमीनी कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा सीएम शिवराज ने बीजेपी सबसे अलग पार्टी को बताया और कहा कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस है। बीजेपी ने स्थानीय निकाय के चुनावों में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ भी गाइडलाइंस तय की, कुछ मापदंड निर्धारित की और उसके अनुसार पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए। एक व्यक्ति एक पद तय करने वाली बीजेपी अकेली पार्टी है, जिसने यह तय किया विधायक है तो महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि विधायक को महापौर का टिकट देना आसान होता है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है, या तो कार्यकर्ता नहीं है या कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक भी लड़ा दिए। जबलपुर के डॉक्टर जितेंद्र जामदार प्रतिष्ठित चिकित्सक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। भोपाल की मालवी राय, ग्वालियर की सुमन शर्मा जैसी हमारी जमीन से जुड़ी हुई वर्षों से काम कर रही कार्यकर्ता हैं और माधुरी पटेल जी जैसे प्रतिष्ठित व्यवसायी भी शामिल हैं। इंदौर के पुष्यमित्र भार्गव जैसे श्रेष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रतलाम के प्रहलाद पटेल जैसे युवा जागृत समाज सेवी किसान भी इसी सूची में आते हैं। मुरैना की मीना जाटव हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही हैं। सागर की संगीता तिवारी समाज सेवी हैं। रीवा के प्रबोध व्यास समान कार्यकर्ताओं से संगठन के दायित्वों का निर्वाह करते हुए महापौर के पद तक पहुँचे। सिंगरौली के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा समर्पित कार्यकर्ता हैं। कटनी की ज्योति दीक्षित शिक्षिका और समाज सेवी हैं। छिंदवाड़ा के अनंत धूल भी प्रशासनिक अधिकारी थे और कुशल प्रशासकीय क्षमता के धनी हैं। खंडवा की अमिता यादव उच्च शिक्षित समर्पित कार्यकर्ता हैं। उज्जैन के मुकेश टटवाल और देवा की गीता अग्रवाल वर्षों से पार्टी के काम में दिन रात जुटे हुए हैं, या केवल संगठन के काम नहीं समाज सेवा के काम में भी जुटे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।